तमाम जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस हार जाती तो बाबा समाधि ले लेंगे, इस तरह की बातें भी सामने आई। ये गलत अफवाह किसी ने उड़ा दी। हाँ, किसी संत ने कहा है, किसी सन्यासी संत ने कहा है, पर उसके लिए मुझे जो है बार बार लोगों के फोन, लोगों की जानकारी आती, ऐसा नहीं है। हम कंप्यूटर बाबा हैं, हम संत समाज हैं, हम संत कभी किसी मरने और मिटने के लिए ये सब चीज़ें बात नहीं करता। ये तो राजनीति है, ये आती और जाती रहती है, कोई आज जीतता है कोई कल जीतता है, पहले भी कोई कांग्रेस जीती थी या बीजेपी जीत रही, तो ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें, हम संत समाज तो धर्म के लिए खड़े हैं, जहाँ धर्म है वहाँ साधु समाज खड़ा होता है। हम लोग राम मंदिर के लिए तटस्थ हैं, आज भी तटस्थ है, और पूरा संत समाज मोदी जी के लिए खड़ा रहेगा। यदि वो राम मंदिर की बात करेंगे, राम मंदिर बनाना शुरू कर दें, पूरा संत समाज उनके साथ रहेगा। और राम मंदिर की बात नहीं करेंगे तो आगे भी हमारी लड़ाई मोदी जी से चलती रहेगी जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा। दिग्विजय सिंह जी आखिर क्यों हार गए, आपको क्या कमियां लगी? देखिए, वो उसके लिए दिग्विजय सिंह तो बहुत अच्छे हैं और उनका काम, उनकी गति, चुनाव भी बड़े अच्छे ढंग से लड़ा। पर अब चूंकि कांग्रेस का क्या रोल रहा उसमें, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, क्योंकि हम उस किसी कांग्रेस में ना किसी बीजेपी में, पार्टियों में नहीं, हम संत समाज ने समर्थन किया है, हम संत समाज ने समर्थन दिया है, क्योंकि एक बार हम लोगों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। तो उसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस ने क्या कमी किया, वो उसका अवलोकन करेंगे वो लोग। पर संत समाज तो धर्म के लिए, मंदिर के लिए, गंगा के लिए खड़ा रहेगा, आगे भी खड़ा रहेगा। और अंत में पुनः कहना चाहूंगा कि 125 करोड़ जनता पे का भरोसा मोदी जी पर, बताइए क्या कहेंगे नतीजों को लेकर? देखिएगा, जनता का जनादेश लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है, और देश की जनता ने जनादेश माननीय मोदी जी को दिया है, तो हम भी मोदी जी को बधाई देते हैं और पूरा संत समाज उनको बधाई देता है। और इस आशा से कि जनता का काम जो है, जिस भरोसे से मोदी जी को जिताया है और मोदी पे भरोसा जताया है, उस पर खरे उतरे। और संत समाज का यही कहना पुनः है, हम संत समाज का, कि माननीय मोदी जी, आप चूंकि पूर्ण बहुमत आ गया है, तो आप राम मंदिर बनाएं, गंगा साफ करें और ऐसे धार्मिक काम करें जिससे संत समाज आपके साथ खड़ा रहे। एक आपने राम मंदिर का वादा किया था, आपको अब पूर्ण बहुमत है, अब कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। माननीय मोदी जी, मैं आपको बार बार बधाई देता हूं, पूरा संत समाज आपके साथ खड़ा रहेगा, कंप्यूटर बाबा के साथ लाखों संत आपके साथ खड़े रहेंगे, पर राम मंदिर बनाए, गंगा साफ करें। बीजेपी छोड़कर आप कांग्रेस में आए, कांग्रेस को आपने समर्थन दिया, क्या इस बार फिर ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जब देश में इतना बड़ा बहुमत मिला है तो आप फिर से बीजेपी में जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग तो समर्थन करते हैं। और यदि मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी राम मंदिर बनाना शुरू कर दें, पूरा संत समाज कंप्यूटर बाबा ने हजारों लाखों संत उनके साथ खड़ा रहेगा। हम लोग तो खड़े होने वाले हैं, समर्थन करने वाले हैं, किसी पार्टी में जाने वाले नहीं है, हम लोग किसी बीजेपी और कांग्रेस वाले नहीं है, हम लोग तो अच्छा काम करने वाला, कांग्रेस ने अच्छा काम किया तो कांग्रेस साथ है, 5 साल कांग्रेस को हम देखेंगे, मध्य प्रदेश की जनता के साथ में संत समाज भी कमलनाथ सरकार को 5 साल देखेंगे, यदि गड़बड़ करेंगे तो उनको भी कान पकड़ के बाहर कर देंगे। पर माननीय मोदी जी से बार बार मेरा अनुरोध है कि इस जनता का जरूर ध्यान रखें, जनादेश का ध्यान रखें और संतों का जरूर ध्यान रखें कि राम मंदिर का वादा किया था उसे आप तो कम से कम पूर्ण करें। धन्यवाद।